क्यों पाइथन मार्केट में इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी आ गया, जिससे पाइथन को सब हर कोई सीखना चाहता है, जानना चाहते हैं? तो मैं उसी वजह से अपना इस टॉपिक के साथ आज मैं बात करने वाला हूँ। देखते रहिए मेरे इस वीडियो को। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप लोग जानते ही है, और 2019 में इसका पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पाइथन जो लैंग्वेज है, ये पाइथन लैंग्वेज 2012 में बहुत ही ज़्यादा नीचे था, जिसका पॉपुलैरिटी एकदम ना के बराबर था। बट 2019 में लगभग 5 साल में इसका पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। इसका एक्चुअल मेन रीज़न ये है कि पाइथन जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज आज के डेट में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा आसान लैंग्वेज है। और ये सबसे ज़्यादा आसान लैंग्वेज के होने के साथ साथ ये लैंग्वेज ऐसा लोग यूज़ करते जो लोग नॉन प्रोग्रामर है। अगर आप ऐसा जगह से बिलोंग करते हो जहाँ पे आप कभी भी प्रोग्रामिंग नहीं किए हो या प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहते हो, तो आपके लिए जो लैंग्वेज सबसे पहले आपको सीखना चाहिए या आप सीख सकते हो आसानी से, वो है पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसी वजह से हुआ है कि ये सबसे ज़्यादा आसान लैंग्वेज है। और इस आसान लैंग्वेज के होने के बावजूद इसका जो फीचर्स है, इसका जो यूजबिलिटी है, ये काफ़ी गुना अच्छा है। तो इसी वजह से पाइथन लैंग्वेज जो है, पाइथन लैंग्वेज से बहुत कुछ सॉफ्टवेयर, गेम्स, डेटा एनालिसिस प्रोसेस या डेटा विजुलाइजेशन प्रोसेस, बहुत सारा चीज़ें हैं जिसको यूज़ किया गया है इस पाइथन लैंग्वेज के थ्रू। पाइथन लैंग्वेज एक्चुअली प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल का जो लैंग्वेज होता है आज के डेट में, उसके लिए जो जो फीचर्स होना चाहिए, वो सारे फीचर्स पाइथन लैंग्वेज में है। तो इसीलिए पाइथन लैंग्वेज आज के डेट में इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रहा है। पाइथन लैंग्वेज में हर एक काम के लिए अलग अलग पैकेजेस मिल जाता है, जिस पैकेजेस को इंस्टॉल करके उसको इम्प्लीमेंट करने से हम लोगों का जो रिक्वायर्ड है, डिजायर रिक्वायरमेंट, जो चीज़ हम लोग करना चाहते हैं, उसी चीज़ को हम लोग पाइथन से कर सकते हैं। तो इसी वजह से पाइथन इतना आसान लैंग्वेज और साथ ही साथ इतना सारा प्रोसेस इसमें ऑलरेडी है, जिसके लिए कम्युनिटी सपोर्ट जो है वो भी बढ़िया होने के वजह से इस पाइथन लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रहा है। और इसके साथ साथ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क भी बहुत सारा है, जिसमें कुछ फ्रेमवर्क ऐसा है, फ्लास्क, डिजेंगो और वेब टू पाई। ये तीनों फ्रेमवर्क जो है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क को अगर आप यूज़ करते हो तो आप किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन अगर बनाना चाहते हो, तो ये तीनों फ्रेमवर्क को यूज़ करके, आप पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करके आपका जो एप्लीकेशन है वो आप बना सकते हो। इसके लिए आपको पाइथन लैंग्वेज का जो नॉलेज है, ये नॉलेज बहुत आसानी से सीखने के बाद किसी भी तरह का एप्लीकेशन बनाने में आपको दिक्कत नहीं आता है। और इसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आप इसमें कुछ बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन डालना चाहते हो, जैसे कि AI इम्प्लीमेंटेशन, फेस डिटेक्शन प्रोसेस या गेम डेवलपमेंट का कुछ प्रोसीड्योर आप इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, या डेटा विजुअलाइजेशन या मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा जो प्रोसेस है, इसके लिए अलग अलग तरीके का लाइब्रेरी यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसी वजह से पाइथन जो लैंग्वेज है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर अभी हो रहा है। तो इसी वजह से अगर आप पाइथन डेवलपमेंट सीखते हो एज ए न्यू कमर, एज ए न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपर के हिसाब से, ये आपके लिए अच्छा चॉइस हो सकता है। तो आप पाइथन इसी वजह से ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रहा है, बट पाइथन का जो पॉपुलैरिटी है, पाइथन का जो यूजबिलिटी है, ये सर्वर साइड में ही चलता है, ये फ्रंट एंड में नहीं चलता है। क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड में काम करने जाओगे, जैसे कि ब्राउज़र में अगर आपका जो एप्लीकेशन है जो दिखेगा, वहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट काम करना होगा। तो इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि आज के डेट में जावास्क्रिप्ट और पाइथन, ये दो जो लैंग्वेज है, ये दो लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मार्केट में पॉपुलैरिटी मिला है। और ये दोनों लैंग्वेज को अगर आप सीख लेते हो, तो आपको किसी भी तरह का अगर एप्लीकेशन बनाना है, आप बना सकते हो, इसके लिए आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही था मेरा पूरा वीडियो पाइथन को लेकर। अगर आपको अच्छा लगा है, आप प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे YouTube चैनल को, और शेयर करो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।